नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से इस रिकॉर्डिंग सेशन में हाजिर हूं। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते होंगे। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, एक नए उत्साह के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी जुड़े और सभी लोग अच्छा काम करें। दूसरा, ये बात कि बहुत सारी चीजों में ये साल बहुत सारा उतार चढ़ाव भरा रहा, और ये सभी के साथ होता है। मेरे ख्याल से सभी जो यही उतार चढ़ाव का जीवन ही मेरे ख्याल से सभी को बहुत सारे प्रेरणाएं देता है। तो इसी के साथ हम आज की जो श्रृंखला है उसको हम, कल जैसे पीयूष जी का टॉक था, तो जैसे आने वाले समय में बहुत सारे मित्रों से मैं बातचीत करूंगा, बहुत सारे आप लोगों को, बहुत सारे कलाकारों के चीजें आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, उनके थॉट्स सुनने को मिलेंगे, उनके जर्नी सुनने को मिलेंगी। तो देखते हैं उसमें क्या नया ट्विस्ट आता है। हम कोशिश करेंगे कुछ नई जानकारियां, कुछ नए करने की कोशिश करें। बाहर आउट ऑफ इंडिया में जो आर्टिस्ट अभी रह रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे हर एक प्रत्येक कलाकार जो चाहता है कि वो बाहर जाकर अपना भारत का नाम रोशन करे। तो क्या प्रोसीजर होता है जाने का, किस तरीके से जा सकते हैं, इस बारे में बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं, वह एम्बेसी के माध्यम से जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात करने की, वो किस तरीके से वहां जाते हैं, वह रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, वह वहां रहते हैं, अपना काम को भली भांति करते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, होप जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनके टच में भी ऐसे बहुत सारे कलाकार होंगे जो आउट ऑफ इंडिया में रहकर अपने कलाकृतियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ये सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग जो हिंदी भाषी हैं वो हिंदी में बातचीत कर सके, ताकि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं व आर्टिस्ट हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिले, उनको भी जानकारी मिले। तो मैं चाहूंगा कि जो वीडियो ये देख रहे हैं दोस्त लोग, मित्र लोग, उनके टच में जो भी कलाकार हैं वो उनसे संपर्क कराने में मदद करे, ताकि जो एक नए वर्ष की शुरुआत में नए सेशन के साथ ये चीजें हम शुरू करेंगे कि विश्व भर में कला के जरिए जो भी कलाकार बाहर जाके अपना जीवन यापन व कला कर्म कर रहे हैं उनसे हम संवाद कर सकें, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को किस तरीके से हम इस जानकारी को पहुँचा सकें। बस यही एक उद्देश्य है। और हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज, जो भी भारत भर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज में कला को लेके थोड़ी जागरूकता जरूर हमें लाना चाहिए, और कोशिश करते हैं हम उस तरह के यूनिवर्सिटीज को अपने प्रपोजल डालने के लिए कि वो अगर मान्यता देते हैं तो उस तरीके से फिर कला वर्कशॉप या कार्यक्रम, एक एक वर्कशॉप या कैंप जैसा आयोजित कर सके। तो इसके लिए भी हम लगे हुए हैं। उम्मीद है आप लोग जरूर इसमें सहयोग करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।